दोस्तों, अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके थे, दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो में बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों, इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों, बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों, जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों, जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेजन प्राइम पर रिलीज कर दिया गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके थे, दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो में बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों, इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों, बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों, जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों, जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके थे, दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो में बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों, इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों, बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों, जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों, जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेजन प्राइम पर रिलीज कर दिया गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके थे, दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो में बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों, इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों, बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों, जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों, जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके थे, दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो में बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों, इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों, बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों, जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों, जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेजन प्राइम पर रिलीज कर दिया गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके थे, दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों, इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों, बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों, जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों, जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके थे, दोस्तों मैं आपको इस मूवी
वीडियो में बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहाँ से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली। साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को अमेजन प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहाँ से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली। साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहाँ से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली। साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को अमेजन प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली। साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहाँ से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली। साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को अमेजन प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली। साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली
और किन किन लोगों को पसंद आया नहीं, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में, क्या मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में, क्या मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में, क्या मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में, क्या मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में, क्या मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में, क्या मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में, क्या मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों
वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग इस मूवी को ओटीटी में देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों आपको इस मूवी वीडियो में बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ओटीटी में देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों आपको इस मूवी वीडियो में बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ओटीटी में देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों आपको इस मूवी वीडियो में बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ओटीटी में देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों आपको इस मूवी वीडियो में बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ओटीटी में देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों आपको इस मूवी वीडियो में बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ओटीटी में देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों
बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेजन प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेजन प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेजन प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को
फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूँ कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं दोस्तों को बता दूँ कि इस मूवी को अमेजन प्राइम पर रिलीज कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेजन प्राइम पर रिलीज कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेजन प्राइम पर रिलीज कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को
फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों आपको बता दूँ कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग इस मूवी को ओटीटी में देखना चाहते हैं दोस्तों आपको बता दूँ कि इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों आपको इस मूवी वीडियो में बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहाँ से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि मूवी कैसी, मतलब ये मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग इस मूवी को ओटीटी में देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों आपको इस मूवी वीडियो में बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहाँ से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि मूवी कैसी, मतलब ये मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग इस मूवी को ओटीटी में देखना चाहते हैं, दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों आपको इस मूवी वीडियो में बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहाँ से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि मूवी कैसी, मतलब ये मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग इस मूवी को ओटीटी में देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों आपको इस मूवी वीडियो में बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहाँ से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि मूवी कैसी, मतलब ये मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग इस मूवी को ओटीटी में देखना चाहते हैं, दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों आपको इस मूवी वीडियो में बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहाँ से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि मूवी कैसी, मतलब ये मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग इस मूवी को ओटीटी में देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों आपको इस मूवी वीडियो में बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहाँ से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि मूवी कैसी, मतलब ये मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग इस मूवी को ओटीटी में देखना चाहते हैं, दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में।
दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके थे, दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो में बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ओटीटी में देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके थे, दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ओटीटी में देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके थे, दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ओटीटी में देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके थे, दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ओटीटी में देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके थे, दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ओटीटी में देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके थे, दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ओटीटी में देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में।
दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके थे, दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो में बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो में बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी
वीडियो में बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहाँ से देख सकते हो, अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों आपको इस मूवी वीडियो में बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो, अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो, अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो, अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो, अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो, अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो, अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली
और किन किन लोगों को पसंद आया नहीं, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में, क्या मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो में बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में, क्या मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो में बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में, क्या मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो में बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में, क्या मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में, क्या मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में, क्या मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली
और किन किन लोगों को पसंद आया नहीं, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में, क्या मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहाँ से देख सकते हो, अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में, क्या मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो, अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में, क्या मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो, अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में, क्या मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो, अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में, क्या मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो, अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में, क्या मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो, अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में, क्या मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों
वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो में बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो में बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो में बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो में बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो में बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो में बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों
बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वज़ीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो में बताऊंगा कि आप वज़ीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वज़ीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वज़ीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो में बताऊंगा कि आप वज़ीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वज़ीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वज़ीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो में बताऊंगा कि आप वज़ीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वज़ीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वज़ीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वज़ीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वज़ीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वज़ीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वज़ीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वज़ीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वज़ीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वज़ीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वज़ीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन
ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों आपको बता दूँ कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो में बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो में बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो में बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो में बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो में बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो में बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं,
दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके थे दोस्तों, मैं आपको इस मूवी वीडियो में बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके थे दोस्तों, आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके थे दोस्तों, आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके थे दोस्तों, आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके थे दोस्तों, आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके थे दोस्तों, आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके थे दोस्तों, आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली
और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाले, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में, क्या मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेजन प्राइम पर रिलीज कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों आपको इस मूवी वीडियो में बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में, क्या मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों आपको इस मूवी वीडियो में बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में, क्या मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेजन प्राइम पर रिलीज कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में, क्या मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में, क्या मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेजन प्राइम पर रिलीज कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में, क्या मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में, क्या मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों
वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को अमेजन प्राइम पर रिलीज कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो में बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो में बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को अमेजन प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को अमेजन प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों
बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वज़ीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वज़ीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वज़ीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वज़ीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वज़ीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वज़ीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वज़ीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वज़ीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वज़ीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वज़ीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वज़ीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वज़ीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वज़ीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वज़ीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वज़ीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वज़ीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वज़ीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वज़ीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन
ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दो कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ओटीटी में देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दो कि इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ओटीटी में देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ओटीटी में देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ओटीटी में देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ओटीटी में देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ओटीटी में देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन
ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूँ कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूँ कि इस मूवी को अमेजन प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेजन प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेजन प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन
ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूँ कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ओटीटी में देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूँ कि इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वज़ीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वज़ीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वज़ीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ओटीटी में देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वज़ीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वज़ीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वज़ीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ओटीटी में देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वज़ीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वज़ीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वज़ीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ओटीटी में देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वज़ीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वज़ीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वज़ीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ओटीटी में देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वज़ीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वज़ीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वज़ीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ओटीटी में देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वज़ीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वज़ीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वज़ीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन
ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों आपको बता दूँ कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों आपको बता दूँ कि इस मूवी को अमेजन प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को अमेजन प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को अमेजन प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन
ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूँ कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑटोटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूँ कि इस मूवी को अमेजन प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली। साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑटोटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली। साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑटोटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेजन प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली। साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली। साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेजन प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली। साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली। साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन
ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूँ कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को OTT में देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूँ कि इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वज़ीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो में बताऊंगा कि आप वज़ीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वज़ीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को OTT में देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वज़ीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो में बताऊंगा कि आप वज़ीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वज़ीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को OTT में देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वज़ीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो में बताऊंगा कि आप वज़ीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वज़ीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को OTT में देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वज़ीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो में बताऊंगा कि आप वज़ीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वज़ीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को OTT में देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वज़ीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वज़ीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वज़ीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को OTT में देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वज़ीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वज़ीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वज़ीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन
ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों आपको बता दूँ कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों आपको बता दूँ कि इस मूवी को अमेजन प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को अमेजन प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को अमेजन प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन
ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूँ कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑटोटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूँ कि इस मूवी को अमेजन प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑटोटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेजन प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑटोटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेजन प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑटोटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑटोटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेजन प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑटोटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन
ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूँ कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूँ कि इस मूवी को अमेजन प्राइम पर रिलीज कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेजन प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेजन प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन
ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूँ कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूँ कि इस मूवी को अमेजन प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वज़ीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वज़ीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वज़ीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वज़ीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वज़ीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वज़ीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेजन प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वज़ीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वज़ीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वज़ीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वज़ीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वज़ीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वज़ीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेजन प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वज़ीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वज़ीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वज़ीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वज़ीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वज़ीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वज़ीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन
ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दो कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दो कि इस मूवी को अमेजन प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों आपको इस मूवी वीडियो में बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहाँ से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों आपको इस मूवी वीडियो में बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहाँ से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेजन प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहाँ से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहाँ से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेजन प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहाँ से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहाँ से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन
ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूँ कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूँ कि इस मूवी को अमेजन प्राइम पर रिलीज कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेजन प्राइम पर रिलीज कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को अमेजन प्राइम पर रिलीज कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों को बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वजीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढ कर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वजीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वजीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन
ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों आपको बता दूँ कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों आपको बता दूँ कि इस मूवी को अमेजन प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वज़ीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वज़ीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वज़ीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप मेरी तरह वज़ीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वज़ीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वज़ीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं, दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को अमेजन प्राइम पर रिलीज़ कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी तरह वज़ीर मूवी देखना चाहते हैं और ढूंढकर थक चुके हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी वीडियो बताऊंगा कि आप वज़ीर मूवी को कहां से देख सकते हो अभी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यह मूवी कैसी, मतलब यह मूवी किन किन लोगों को पसंद आने वाली और किन किन लोगों को पसंद नहीं आने वाली, साथ में बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी हिट हुई या फ्लॉप हुई, और आखिर में बात करेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वज़ीर मूवी 8 जनवरी 2016 को रिलीज की गई थी। दोस्तों इसके स्टार कास्ट में हमारे पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है। दोस्तों बता दूं कि ये मूवी का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बताया जाता है, बस 2 घंटे का बताया जाता है। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया। दोस्तों जो लोग भी इस मूवी को ऑडिटिंग देखना चाहते हैं।